जम्मू कश्मीर में 2 मई को हुए हंदवाड़ा एनकाउंटर में देश ने अपने 5 बहादुर सिपाहियों को खो दिया। जिसमें सेना के जाबाज मेजर अनुज सूद भी शहीद हो गए। शहीद मेजर का पार्थिव शरीर मंगलवार सुबह अमरावती एन्क्लेव स्थित उनके निवास पर लाया गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और फिर पार्थिव शरीर को मनी माजरा स्थित शमशान भूमि ले जाया गया, जहां सैन्य सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। शमशान घाट में शहीद मेजर अनुज सूद के पिता, माँ और पत्नी मौजूद रहे। शहीद को उनके माता पिता ने नमन किया। वहीं पत्नी ने कहा कि उन्हें अनुज की शहादत पर गर्व है और वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। पिता ने कहा कि अनुज ने मेरा सिर फक्र से ऊंचा कर दिया है, बेटा तुझे सलाम। अंतिम दर्शनों के समय हर किसी की आंखें नम थी, लेकिन सभी देश के लिए शहीद हुए मेजर को सल्यूट करते नजर आए। शहीद मेजर अनुज सूद की पत्नी पार्थिव शरीर के पास बैठकर काफी देर तक अपने पति को देखती रही, मानो वो सारे पल याद कर रही हूँ। शहीद मेजर की पत्नी आकृति ने कहा कि वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। आज देश के लिए शहादत दे एक बहादुर जवान और भारत माँ का वीर पुत्र पंचतत्व में विलीन हो गया। न्यूज़ डेस्क।